हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अनुष्का शेट्टी की फिल्म भागमती। वेल फ्रेंड्स, बाहुबली 2 के बाद अनुष्का शर्मा की कोई अगर बड़ी फिल्म आ रही है तेलुगु सिनेमा में तो वो है फिल्म भागमती। वेल फ्रेंड्स, भागमती एक हॉरर फिल्म समझ के मत जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इसके पोस्टर्स देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इस फिल्म में हॉरर होगा तो गाइस, इसके पोस्टर के नीचे ही लिखा हुआ है UA सर्टिफिकेट। जब कोई भी तेलुगु फिल्म या तमिल फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिलता है तब उसमें हॉरर लेवल बहुत कम होता है, मिनिमम हॉरर लेवल होता है। हॉरर लेवल ऐसा होता है जो आपको सिर्फ साउंड से क्रिएट करके दिखाया जाता है या फिर 2-3 सीन में बस भूत की थोड़ी परछाई दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सोच के मत जाना कि ये आउट एंड आउट हॉरर फिल्म है। अब बात करते हैं इस फिल्म की। अनुष्का शेट्टी ने खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है। पहला शो में देखने गया था फ्रेंड्स सुबह 10:30 बजे का, आगे फ्रंट सीट तक सीट हाउसफुल थी, मुझे 4-5 सीट स्क्रीन से छोड़ के सीट मिली थी। और फ्रेंड्स, सब लेडीज, पूरा जो क्राउड आया था थिएटर में ये कंप्राइज ऑफ वुमेन, स्मॉल किड्स, क्योंकि UA पिक्चर है, 12 साल के बच्चे आ सकते देखने के लिए। और गाइस, जो थिएटर का एटमॉस्फियर था, इंटरवल का सीन जब उसमें वो भूत भागमती की आत्मा आती है और जिस तरह से वो उछल के साड़ी से चिल्लाती है भागमती अड्डा, वो सीन इस फिल्म का हाईलाइट है। इंटरवल के बाद जो सीन आता है जब डॉक्टर उसे इंटरोगेट करने के लिए आता है और कहता है कि तेरे अंदर एक आत्मा है, वो किस तरह से डॉक्टर की वाट लगाती है, और मुरली शर्मा जो इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बना है उसके साथ उसका सीन जब वो अपने खुद के हाथ में खिल्ला डाल के ठोक देती है, वो 3 सीन ही काफी है आपको ये फिल्म देखने के लिए। और फ्रेंड्स, जब फिल्म खत्म हो तो प्लीज आप लोग बैठिएगा, इसके एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाएगा किस तरह डायरेक्टर जी अशोक ने फिल्म कोई बंगले में शूट नहीं की है, इसका कोई सेट नहीं लगा था, बल्कि पूरा आर्टिफिशियल इन्होंने सेट लगवाया था। और अंदर एक एक वर्क, क्या वो दुर्गा की मूर्ति हो, राजा रानी का फोटो हो, या फिर गाइस कपड़े की पेंटिंग हो, एक से एक डिटेलिंग, आर्टिफिशियल पानी लाना, और इतनी बेहतरीन तरीके से। ये पहली फिल्म है तेलुगु इंडस्ट्री में जो 4K में शूट हुई, यानी कि 4K मूवी है। अगर आप प्लान कर रहे हो ये फिल्म देखने के लिए तो जरूर एक 4K थिएटर ढूंढिए और जाके देखिए। इस फिल्म में भाषा का कोई जरूरत नहीं, अगर आपको तेलुगु नहीं भी आती हो तो आप ये फिल्म जाके इंजॉय करोगे, आपको इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका जो प्लॉट है एकदम वेफर थिन है, मतलब ज्यादा कुछ समझने सोचने की जरूरत नहीं है। क्लाइमैक्स में जो मेन ट्विस्ट आता है वो इस फिल्म की प्लस पॉइंट है। और फिलहाल अगर बात करें क्या ये फिल्म अच्छी है नहीं है, अगर आप तमिल फिल्में देखते हो तो गाइज एक साल में कम से कम 4-5 फिल्म ऐसी आती है जिसमें औरत रहती है, वो हवेली में जाती है, उसको भूत दिखता है, वो डरती है, उसके बाद भूत कहाँ से आया, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, ये सब फिल्में साउथ वालों के लिए बहुत न्यू नहीं है, कोई यूनिक फैक्टर लेके नहीं आती। लेकिन हमारे जो हिंदी ऑडियंस है, हमारे बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की कमी होने की वजह से वो ऐसी फिल्में देखना अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप एक अनुष्का शेट्टी फैन हो, अगर आप बाहुबली 2 देखने के बाद आप देवसेना के फैन बन गए हो तो आप जरूर जाइए गाइस ये फिल्म देखने के लिए। इट्स अ पैसा वसूल एक्सपीरियंस, आपको जाना चाहिए। लेकिन क्या ये फिल्म क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू और इसके स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू खरी उतरती है या नहीं, चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू में। तो फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत होती है CBI हेडक्वार्टर में। ओके, CBI हेड में आपको स्टोरी बहुत सिंपल समझाऊंगा ताकि आप लोग जब फिल्म देखने जाओ तो आपको कोई टेंशन नहीं हो। स्टोरी शुरुआत होती है एक CBI हेडक्वार्टर में, एक मंत्री रहता है जयराम, वो एक वाटर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन जो CBI हेडक्वार्टर रहता है उनके पास एक फाइल आती है जिसमें लिखा रहता है कि आंध्र प्रदेश में बहुत सारी बेकीमती मूर्तियां, मतलब ऐसी मूर्तियां जिनका भाव करोड़ों रुपए में है, वो एक के बाद एक चोरी होते जा रही है। और जहां भी ये नेता जो है वो रैली करता है उसी से 10-15 किलोमीटर दूर कोई मूर्ति चोरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक केस है, दूसरा एक केस है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, गलत काम करके पैसे कमाता है, और तीसरा ये एक करप्ट आदमी है। तो फ्रेंड्स, CBI चाहती है कि ये जयराम, इसका पिक्चर में नाम जयराम नहीं है, असली में जयराम है, नया विलन है, अच्छा विलन है, इसको ट्रैप करना है। लेकिन कोई भी CBI ऑफिसर इसके खिलाफ केस लड़ने को तैयार नहीं है। तब एंटर होती है आशा शरद। अगर आपने
दृश्यम, जो ऑफिशियल दृश्यम है मलयालम वर्जन, उसमें जो पुलिस अफसर थी वो है आशा शरद, अच्छी दिखती वाली महिला है, कम से कम 40-50 साल की महिला है, कर्ली बाल है, अभी फिट लगती है। फिल्म में बनी है सीबीआई पुलिस इंस्पेक्टर, वो चाहती है कि इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन जी। अब ऑपरेशन जी का इंक्वायरी ऑफिसर है मुरली शर्मा, मुरली शर्मा यानी कि इंस्पेक्टर डांडे, गोलमाल सीरीज का आप सब जानते हो उसको। तो फ्रेंड्स वो और आशा शरद ये दोनों चाहते हैं कि चंचला यानी कि अनुष्का शेट्टी को ला के इंक्वायरी कराए। अनुष्का शेट्टी कौन है मैं आपको समझा देता हूं, वो एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन मुरली शर्मा के भाई जिसके उसकी शादी हो गई थी, मंगनी हो गई थी, उसका उसने खून कर दिया था गोली मार के, इसी वजह से अनुष्का शेट्टी को जेल में रखा गया है, उसे सजा हुई है। तो फ्रेंड्स अभी अनुष्का शेट्टी का जयराम से क्या कनेक्शन है? अनुष्का शेट्टी आईएएस ऑफिसर होने के अलावा भी जयराम की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी है, इसीलिए पुलिस चाहती है वो उसको इंटरोगेट करके पूरी तरह से तोड़ दे ताकि वो इन्फॉर्मेशन उसको दे। तो फ्रेंड्स उसको जेल से बिना किसी को पता चले, यानी कि जयराम को पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करनी है, उसको शिफ्ट कर देते हैं भागमती बंगले में। यस फ्रेंड्स, भागमती बंगला काफी वांटेड है, तो एरियल शॉट्स, अंदर के शॉट्स, जिस तरह से उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है बंगला का, काफी फैंटास्टिक, वाकई काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स उन लोग एंटर करते हैं बंगलों में, पहला सीन यू नो अनुष्का शेट्टी बंगले में एंटर करती है, यू नो फर्नीचर देखती है, राजाओं के पुराने फोटो देखती है, और जो दरवाजा बनाया इन लोग ने, मुझे लगता है वो दरवाजा बनाने के लिए कम से कम इन लोग को 80-90 लाख रुपए लगा होगा। क्या दरवाजा, मतलब वो बटन दबाती है खर्च करके हाथ निकलता है, थ्रिल्स बहुत है। बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म का मैं दाद देना चाहूंगा, भागमती, वो जो बैकग्राउंड फील आती है ना म्यूजिक की, थिएटर हिलता है धक 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 धक, मैंने इसको THX साउंड में देखा तो और जो फील आई मुझे सीट हिलने की, फैंटास्टिक। नौकरानी आती है, उसको कपड़ा देती है, अनुष्का शर्मा की अंगूठी गिर जाती है दरवाजे के नीचे, अब वो कपड़ा पहन के नहाने को उसको बोलती तैयार हो जा, कल सुबह कोई ना कोई आएगा तुझे यू नो इंटरोगेट करने के लिए। तभी फ्रेंड्स अनुष्का शेट्टी का फ्लैशबैक आता है, उसे याद आता है किस तरह से वो लड़की के साथ प्यार में पड़ गई थी, वो एक यू नो एक्टिविस्ट था, और उसका जो भाई रहता है मुरली शर्मा, वो असिस्टेंट कमिश्नर रहता था, लेकिन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, काफी अच्छा रोमांटिक गाना आता है और दोनों की मंगनी हो जाती है। तब कट टू वापस हवेली, अगला दिन शुरू हो जाता है, आशा शरद आती है। फ्रेंड्स पूरे बंगले में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं हर जगह, हॉल में, बड़ा हॉल में, छोटे हॉल में, डाइनिंग एरिया में, बस बाथरूम छोड़ के सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे, उसका मॉनिटरिंग लोग बाहर बैठ के टेंट में कर रहे हैं। अनुष्का शेट्टी की इंट्रोगेशन शुरू होती है आशा शरद के साथ, वो बोलती है तू उसका पीए रह चुकी है जयराम का, बता दे वो कौन सी चीजों में इन्वॉल्व है, बता दे किस मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो फंसा है वो भी हमको बता दे। लेकिन अनुष्का शेट्टी बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता, वो एक साफ और नेक इंसान है, बस उसने अच्छे काम ही किए अपने पॉलिटिकल करियर में। वो बोलती है पिछले इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी को जो फंड्स मिले थे वो कहां से आए, अनुष्का शेट्टी बोलती है वो मेरे को नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे परेशान मत करो, पागल जैसी बातें मत करो। वेल फ्रेंड्स तभी वो लोग चले जाते हैं, बोलती मैं कल आऊंगी ना, रेप वस्ता कल आएगी बोल के वो चले जाती है। और उसके बाद अनुष्का शेट्टी रात को बंगले में, अब वो बंगले में अकेले क्यों रखे बिचारी को पता नहीं, वो पूरा बंगले में ना लाइट लेके घूमती है। अब शुरू होता है असली फिल्म, एक बंगले में वो बीच में यू नो एक खड्डा रहता है, वहां से पानी आता है घर घर घर, पूरा बंगला टाइटैनिक, उसमें सांप दुर्गा का स्टैचू है, उसके बाद जो आर्ट डायरेक्शन है फैंटास्टिक, 15 मिनट का सीन है वो बंगले में घूम रहे, म्यूजिक बज रही है, उसको एक भागमती की बुक मिलती है, उसमें रानी की फोटो रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, 15 मिनट का सीन, सिर्फ आवाज, ना भूत दिखता है ना कुछ दिखता है, लेकिन वहां बुक जब पढ़ रही थी ना कैंडल में से चेहरा दिखता है। अब ये सब सीन याद रखना, क्योंकि जब मैं आपको क्लाइमैक्स बताऊंगा तब आपको ये सब कुछ भी सेंस नहीं मेकआउट करेगा, लेकिन ये सब ध्यान बाद में ध्यान रखना, ठीक है। उसको कैंडल से भूत दिखता है, तो भागते भागते नीचे जाती है। वैसे इस फिल्म में तीन पप्पू टप्पू भी है, एक मोटा पप्पू, एक पतला पप्पू और एक भैंसिया। वो भैंसिया पागल है, तमिल फिल्म में कॉमेडी करती है, अगर आपने अजीत की फिल्म वेदलम देखी है उसमें मोटी रहती है, वो काय को लेते रहे उसको पिक्चर में, वो कुछ भी नहीं करती, खाली हंसती नाटक करती है, दो साइड किक्स भी रहते हैं। वो भागते भागते नीचे आती, बोलती खोलो 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 मुझे भूत दिख गया, मुझे भूत दिख गया। मुरली शर्मा बोलता है अरे वो मर्डरर है, खोलना मत उसके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो पहला सीन रहता है अनुष्का शेट्टी को जब भूत पकड़ता है, इसके बाद फिर एक इंटरोगेशन होता है, कुछ सवाल जवाब नहीं होते, और फिर से वापस से रात दिखाई जाती है,
जो इंटरवल से पहले का सीन है पूरा थिएटर स्टेडियम बन गया था, क्योंकि वही सीन में जब यू नो अनुष्का शेट्टी भागमती बनती पूरा साड़ी वाड़ी पहन के, मुंह पे पूरा लाल टिक्का, नाक में यू नो अंगूठी पहन के, वो भी नाक में जो भी पहनते नोज रिंग पहन के, यू नो भागमती अड्डा, क्या डायलॉग है, फैंटास्टिक। इंटरवल पॉइंट आपको हाई पे छोड़ता है, और फ्रेंड्स इंटरवल के बाद एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर बोलता है तेरे अंदर जो आत्मा है पता है वो भागमती की थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घर में आई थी, उसके यहाँ सेक्स हुआ, उसके यहाँ रेप हुआ, बहुत सारे लोगों ने आके उसका दारू पी के रेप कर दिया, तब वो मुंडी घुमा के बोलती है मैं भागमती रानी हूं, और डॉक्टर की भी वाट लगाती है। डॉक्टर भागते भागते बाहर आता है, अरे बाबा अरे वो पागल है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको पागल खाने लेके जाओ। लेकिन फ्रेंड्स तभी कुछ नहीं होता, लेकिन उसी दौरान वो अरबी भाषा में बात करती है, सबको लगता है इसके अंदर भाई आत्मा है। और तभी हमें पता चलता है जब इंट्रोगेशन होती है कि जो यू नो भागमती रानी थी वो मुगल लोगों की टाइम की रानी थी, और इसलिए उनसे बात करने के लिए उसने अरबी सीखी थी। तो अनुष्का शर्मा को अंदर भागमती है, ये पुलिस को भी कंफर्म हो जाता है कि भाई इसके अंदर भूत है। तभी मुरली शर्मा जाते साधु लोग के पास, वो लोग भी आते हैं, ओम ब्रिम बन बा, उसको पानी देते हैं, उसको बोलते हैं भागमती है ना अनुष्का शेट्टी, उसके है ना पलंग के नीचे रख के आ जा, लाल पानी काला वो मतलब भूत है, वो भी सीन है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फ्लैशबैक आता है, किस तरह उसका जो पति रहता है, उसको जब पता रहता है कि अनुष्का शेट्टी का जो बॉस रहता है जयराम, जो पूरे जो ऑब्वियसली यू नो लीडर रहता है, वो गांव वालों की जमीन फोकट में बेच के वहां पे कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, वो अनुष्का शेट्टी को बुलाता है, गुस्से में रहता है, दोनों की मारामारी होती है। तभी फिर से हमको एंड में क्या होता है नहीं दिखाते, फिर से मुरली शर्मा घर में आता है, तब तो बॉस सीन एकदम खराब है, उसके अंदर आत्मा पूरी तरह से घुस गई, एकदम पागल हो अनुष्का शर्मा, अनुष्का शेट्टी पूरा चिल्ला रही है घर में, मुरली शर्मा को धक्का, उसका हाथ मुड़ रहा है, उसका पैर मुड़ रहा है, और वो सीन आता है किल्ला मार रही अपने हाथ, किल्ला मार रही, पूरा घर में आग लग जाती है, मुरली शर्मा बेचारा उसका हार्ट फ्रैक्चर वो तुंडा बन गया है। अब कट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने के पास चलता है कि गाइस अब अनुष्का शेट्टी को पागल डिक्लेयर कर दिया, यस शी इज बीन डिक्लेयर्ड मेंटल, उसको भी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आशा शरद बोलती है भाई इसको पागल खाने लेके जाओ, जब ठीक होगी ना तब वापस लेके आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स उसकी जो इसके साथ हो रहा है ये पता चल जाता है जयराम को। अब फ्रेंड्स ये एक स्पॉइलर रिव्यू है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ ताकि वो जाके फिल्म को देखे, इसलिए मैं आपको पूरा सस्पेंस रिवील करूंगा। तो गाइस जयराम आता है वहां पर और हमें पता चलता है कि ये सारा नाटक जो हुआ था ये सब फेक है, घर में कोई आत्मा ही नहीं है, आपने पिज्जा फिल्म देखी होगी, कुछ भी नहीं, जैसे ड्रामा। और ये ड्रामा हुआ तो हाथ में खिल्ला ठोक दिया, उसके निशान चले गए अगले सीन में, बस पट्टी बांध दी, 2 महीने के बाद सीन में पट्टी गायब, तो भूत कैसे क्रिएट किया। चलो कुर्सी हिलाई समझ में आता है, यू नो ऊपर ऐसा उड़ गए वो भी समझ में आता है, इतने बड़े बड़े पर्दों में राजा के फोटो कैसे किए, तलवार कहाँ से निकाले, कपड़े कहाँ से पहने, उन्होंने लोगों को डराया कैसा, बस वो ही मेरे को एक छोटी सी बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि भूत घर में नहीं है, अनुष्का शेट्टी नाटक कर रही है, उसको इससे यहाँ से भागना है, कैसे छूटना है। तो क्या मुझे तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं लगा, तेलुगु ऑडियंस इसको लगेगा शायद, बस वो ही मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट थी। लेकिन जितनी आसानी फिल्म दिखती है वहां पे नहीं, इसका जो मेन ट्विस्ट शुरू होता है गाइस, किस तरह से ये जयराम इसको बचाने के लिए अनुष्का शेट्टी ये प्लान रचती है, क्योंकि जिस दिन उसका जो पति था उसको घर पे बुलाया था यू नो अपनी बातचीत करने के लिए, तभी ये जयराम आके बोलता अपने पति को मार दे वरना गांव के सब लोगों को मार दूंगा, और अनुष्का शेट्टी उसके पति का खून कर देती है, वही बदला लेने के लिए वो जयराम को ट्रैप करती है, जो सीबीआई का फाइल जाती है जो टेंपल में मूर्तियां चोरी हो रही है यू नो जयराम की फोटो के साथ, वो अनुष्का शेट्टी भेजती है, और किस तरह से एंड में यू नो जयराम अनुष्का शेट्टी को गोली मारता है, अंदर मुरली शर्मा आता है और वो जाके मिनिस्टर का खून करता है। लेकिन एक और ट्विस्ट आता है, अनुष्का शेट्टी ने ये सारा प्लान मुरली शर्मा को बता दिया था, सिंपति में आके मुरली शर्मा ने अनुष्का शेट्टी की मदद की, और वहां से फिल्म खत्म हो जाती है। क्लाइमैक्स थोड़ा स्टूपिड है, ओवर स्ट्रेच चलते रहता है, कोई भी हमें इमोशन नहीं आते, यू नो सीन देख के गांव वाले मरते, तभी बीच बीच में यू नो स्टूपिड कॉमेडी आती रहती है, मोटू पतलू छोटू की, ये सारी चीजें भागमती का यू नो ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब करती है। लेकिन जब एंड क्रेडिट में आप देखते हो यू नो उसका सेट कैसे बना, उसकी बैकग्राउंड कैसी बनी, तब मजबूर हो जाता हूं, मैं खुद मजबूर हो जाता हूं इसके आर्ट को देख के, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक अनुष्का शेट्टी का थंडरस रिस्पांस, फैंटास्टिक रिस्पांस देख के मैं इस फिल्म को देता हूं 3.5/5 स्टार्स। अगर आप फ्री हो ये हफ्ते जरूर जाके देखिए फिल्म, इस फिल्म को कोई भी क्रिटिक का रिव्यू कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस फिल्म ने 90-95% ओपनिंग लिए, और तेलुगु फिल्म ऑडियंसेस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें सेंटिमेंट है, इसमें एक्शन है, इसमें कॉमेडी एक्शन है, हॉरर है, और अनुष्का शेट्टी का स्पेक्ट
स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस है, इसकी कारण ये फिल्म सुपरहिट होगी, लेकिन मेरी रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वक्त है इस हफ्ते जरूर जाके फिल्म देखिए, अगर रिव्यू पसंद है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, वरना भागमती आएगी, ठीक है। और अगर आप नए हो चैनल पे तो नोटिफिकेशन बेल दबाना, हम लोग हर हफ्ते तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, मलयालम रिव्यूज करते हैं एक्सक्लूसिवली हिंदी लैंग्वेज में। आप लोग फरमाइश कीजिए, रिव्यू हाजिर होगा आपके सामने। इज मी अमन साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।